शायद मेरा ख्याल था। इंशाल्लाह वो अपने नए घर का आदी हो गया होगा। काश उसे अपना मासी याद आ गया हो। वो कहाँ जा सकता है? दिलान साहिबा, मेरे ख्याल में सबसे आखिर में जिहान साहब ने आपसे ही बात की थी। क्या उन्होंने आपसे कुछ कहा था? नहीं, हमने सिर्फ कुछ ही देर बात की थी बस। फिर मैं वहां से वापस आ गई थी। ये तो बहुत ही अजीब बात है। अल्लाह कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। आपने मुझे क्यों बुलाया है? कि तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूं। वो क्या? देखो लड़की, क्या दिलान ने जिहान को जंगल में अकेले नहीं बुलाया था? हाँ तो क्या किसी ने उसे देखा उसके बाद? नहीं, किसी ने नहीं देखा। क्या इससे साफ जाहिर नहीं होता? मतलब आप कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ किया है? उससे कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। उसने मुलाकात के लिए जंगल ही क्यों चुना? घर में गार्डन भी तो है। अगर उसको बात करनी थी तो गार्डन में भी तो हो सकती थी। शायद आप सही कह रहे हैं। मुझे भी अजीब लगा कि वो जंगल में मिलना चाहती थी। मुझे लगता है इसके पीछे जरूर उसका हाथ है, यकीनन। अगर उसने कुछ किया है तो उसमें मेरी भी गलती है। उसने खुद नहीं बुलाया, मुझे इस्तेमाल किया। ठीक है गुल, बारान से बात करो और उसे सब कुछ बता दो। सब कुछ उसे तफसील से बताओ। बारान समझदार है, वो जान लेगा कि तुम इसमें शामिल नहीं हो। तुम बेफिक्र रहो, वो फौरन ही अपने भाई को बचा लेगा। ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए। जाओ बात करो ताकि तुम पर कोई इल्जाम हरगिज ना आए।